हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ऑटो फिक्शन। भाई बहुत समय हो गया था यार वीडियो बनाए हुए, और बस बिजी रहता हूँ यार थोड़ा काम में। लेकिन कभी कभी ये जो प्यार है ना मेरा बाइक्स और कार्स को लेकर, वो जो वापस से ले आता है। तो आज मैं आ गया हूँ लेकर सेगमेंट किलर बाइक। अभी जो हाल ही में मोस्ट डिमांडिंग बाइक है हमारे सामने खड़ी है, एप्रिला RS 457। हाँ जी, तो ये बाइक जो आई है मार्केट में भाई, इसने एक कहर मचा रखा है। बाकी सब कुछ जानेंगे आज इस रिव्यू के अंदर। इस बाइक को एकदम परखते हैं कि इसमें क्या दिया है एप्रिला ने। ओवरऑल देखें ना बाइक यार, सबसे पहली बात तो ये स्पोर्ट्स बाइक एकदम एक नंबर लगती है। मतलब आपको जो सेगमेंट में मिल रही है ना, जिस पैसे में मिल रही है, वो बिल्कुल वसूल है, वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर लुक्स की बात ही करूँ, इसमें ना लुक्स एकदम आप बिग बाइक के आते हैं। देखता है जैसे कि आपको इसका डिज़ाइन जो बनाया ना एप्रिला ने, जो इनकी 600cc में बाइक आती है उससे इंस्पायर्ड लुक है। बाकी अगर हम बात करते हैं अब इसके प्रोफाइल की, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगी मतलब बाइक यार। मतलब फ्रंट में एकदम एक बल्कि लुक आता है, पूरा LED सेटअप इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें इंडिकेटर भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड दे रखे हैं, जिससे और ज़्यादा इसका बढ़िया लुक हो जाता है। और यहीं पे ना इसका जो बल्कि लुक है वो निकल के आता है, और पूरी एरोडायनेमिक फेयरिंग लगती है। फिर अगर हम साइड में आएँ, तो साइड में जो प्रोफाइल है इसकी, यहाँ पर फिन्स वगैरह जो दे रखे हैं, ये पूरा हीट को डेसिपेट करने के लिए, जो कि अपने इंजन जो इसमें है वो तो एक है ही मेन चीज़ की हम बात आगे करेंगे। पैरेलल ट्विन सिलेंडर देखने को मिलता है इसके अंदर, जो कि अमेजिंग है। बाकी अगर हम साइड में बात करें, तो यहाँ पर आपको एप्रिला रेसिंग की बात लिखी हुई मिल जाएगी। ये जाने की कहते ही है एप्रिला कि BR रेसर। हाँ जी, BR रेसर, जो कि आपको यहाँ पे भी उसकी बैजिंग देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पे एरोडायनेमिक है, भाई ने यहाँ पर अपने क्रैश गार्ड वगैरह लगा रखा है टूरिंग के पर्पज से। जिस भाई की है ये बाइक, उसने इसको थोड़ा सा अपग्रेड या मॉडिफाई कर दिया है। तो इसके अंदर मिलता है आपको पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन, जो भी पावर है वो रिलीज करता है, वो मैं यहाँ पर रख दूंगा। बात करें ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलती है दोनों ही सिस्टम में। फ्रंट में आपको मिलती है 320mm की डिस्क, और रियर में मिलती है 220mm की डिस्क। बाकी इसका फीडबैक तो भी हम चलाएंगे राइड तो जब देखते हैं, और बाकी इंजन की क्वालिटी भी मैं जब भी बताता हूँ। बाकी सीट की बात करें, सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है, जहाँ तक है पीछे वाली भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से मैं देखा जाए तो सीट मेरे को कंफर्टेबल ही लग रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में आपको ऐसी सीट देखने को मिलती नहीं इतनी कंफर्टेबल। बिल्कुल कुशनिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है। सीट हाइट है इसकी 800mm, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। बाइक को राइड करते हैं, इसमें बहुत सारे आपको मोड्स भी देखने को मिलते हैं। एप्रिला ने इस बार बहुत ही कमाल करा है, क्योंकि इस बजट में जो और बाइक आती है ना, जैसे कावासाकी या फिर यामाहा R3, वो भाई ये फीचर देती नहीं, और पैसे लेती है भर भर के। आप खुद देखो, इसमें ना आपको 3 मोड्स मिलते हैं, और आपको 4 लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, यानी कि एप्रिला ट्रैक्शन कंट्रोल, जिनको आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। मतलब सिंगल बटन से ही आप स्विच कर सकते हो, ये बटन यहाँ पर है और यहाँ स्विच कर सकते हो। तो इको, रेन और यहाँ पर स्पोर्ट, सो 3 मोड्स आते हैं। बाकी इसमें मतलब कि अभी राइड करते हैं तो पता करेंगे कैसा, किस मोड में किस तरह से फीडबैक आता है। ठीक है, जैसे आपको मतलब बहुत ही वाइड देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर, थोड़ा लो डाउन है, डक डाउन करके, मतलब कि आपको वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिले, और आपको दिक्कत ना आए सामने का फील्ड व्यू में, वो आपको ऑब्स्ट्रैक्ट ना करे। बाइक की स्कीम, बाइक की पेंट क्वालिटी, वो एकदम एक नंबर लग रही है। उसमें भी देखने को मिलता है पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन, और इंडिया में ऐसी बहुत ही कम बाइक है जिसमें आपको ट्विन सिलेंडर इंजन भी देखने को मिलता है। और ट्विन सिलेंडर की बात ही अलग है, अभी तक हम जो चलाते आ रहे हैं सिंगल सिलेंडर आते हैं, जैसे ड्यूक 390 है, वो एकदम किलर है इस सेगमेंट के अंदर। बट अब आ चुकी है एप्रिला, और इटालियन ने बनाया ये, तो इटालियन की तो बात ही अलग होती है। इटालियन की कार्स देख लो, सुपर कार्स या कुछ भी देखो, वो एकदम टॉप नॉच ही बनाते हैं। सो अगर हम बात करें इसके फ्रेम की, तो इसमें आपको फ्रेम स्विंग आर्म जो मिलता है वो यहाँ पर अटैच ही मिलता है इंजन के साथ ही माउंटेड। सो इससे जो स्टेबिलिटी है इसकी, जो हैंडलिंग है, वो एकदम सुपर नॉच आती है। बाकी यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको USG में देखने को मिलती है 41mm की, जो कि वो भी इसको अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हॉट डे, क्योंकि अभी बारिश हुई है उसके बाद, तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हो चुकी है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। बट नो डाउट, जब बाइक इतनी प्यारी हो और आपको राइड करनी हो, तो बात ही अलग होती है। पहले आइडल पे आपको मैं इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। एग्जॉस्ट इसमें आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, ये सुनिए आप। पैरेलल ट्विन सिलेंडर मिलता है देखने को आपको, तो उस बाइक के अंदर आपको एग्जॉस्ट तो आपको पता ही कितना होगा, बटर एकदम ही मस्त। बाकी इसमें अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाएंगे तो उसकी बात अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। तो अगर सिटिंग पोस्चर की बात करूं सबसे पहले, तो सिटिंग पोस्चर कमिटेड तो है, लेकिन इतना कमिटेड नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। तरह से बनाया गया कंफर्टेबल भी, और मतलब स्पोर्ट टूरर के हिसाब से भी है, और पूरी रेसर भी है। वाह भाई साहब, क्या मजा है भाई, भाई पहले ही उसमें मजा आ रहा भाई। ओवरऑल बाइक की अगर बात करूँ मैं, इंजन की, आपको भी मैंने स्टार्ट ही करा था, तो गाड़ी भाग रही है, मतलब निकल रही नहीं, हो रही है अपने हाथों से। बाकी अगर मैं इंजन की बात करूँ, तो इसमें आपको 457 cc का इंजन मिलता है, लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन इंजन, जो
जो प्रोड्यूस कर 46.9 bhp की पावर। अगर हम कॉर्निंग वगैरह की बात करें तो वैसे तो थोड़ा सा टर्न लेने में थोड़ी सी इसको हो सकती है, आपको सिटी में चलाओगे तो थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन बाकी पिकअप विकअप की बात करें ना भाई, ओवरऑल भाई एकदम है, मतलब बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ से हम स्पोर्ट्स मोड में, पहले सबसे पहले इको चेक कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट स्पोर्ट चेक कर रहा हूँ यार, इको लगाता हूँ। इको यार की मतलब वो आ गया है, मतलब कि थोड़ा थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो गया है। रेन तो मैं जैसे ही नहीं ले चलाता, स्पोर्ट ही चलाते हैं, तो स्पोर्ट्स में भाई थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपका अच्छा हो जाता है स्पोर्ट्स के अंदर। अब 0 to 100 चेक करते हैं किस तरह चलती है। थर्ड गियर में ही 0 to 100 हो गई है, वो भी मुझे लग रहा है कि बस 3 सेकंड से भी कम ही हो गई। और भाई व्हीली पॉप हो रही है इसमें भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल जबकि एक्टिव था उसके बाद। भाई बाकी हैंडलिंग देखे ना बाइक की, ओवरऑल भाई मस्त एकदम, एक अलग ही लेवल पे चीज बनाई है। ब्रेकिंग भी भाई बहुत ही प्यारी है अभी तो, मेरे लेकिन थोड़ा सा ब्रेकिंग से ऐसे वो मतलब हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट है, फिर भी ठीक है। आपको बस ब्रेक पैड्स अपग्रेड कराने पड़ेंगे क्योंकि वो चिपक से रहे, मतलब वो ना थोड़े से वो फेडिंग वाले इशू हो रहा है ब्रेक में, कि वो देखते हैं कितनी पावर है इसमें ना हर गियर में। स्टेशनरी भी कर लेता हूँ, फिर से दोबारा से लॉन्च करते हैं। फर्स्ट 50 80 112 से ऊपर, अलग लेवल की हवा से बात हो रही है भाई इसमें। ओवरऑल बाइक चलाने में ना इतना मजा आ रहा है, और अगर मैं सिटिंग पोजीशन की बात करूँ ना तो सिटिंग पोजीशन कमिटेड तो है नो डाउट, बट इतनी भी कमिटेड नहीं है कि आपको ना आपको रिस्ट में पेन होगा। एग्जाम्पल समझाऊँ मैं तो R15 का ज्यादा कमिटेड है, इसका थोड़ा कम कमिटेड है इसका भी, लेकिन उससे कम है। बटर स्मूथ इंजन, एग्जॉस्ट नोट एक नंबर, मतलब फील आ रहा है चला के, फील आ रहा है। एक चीज बताऊंगा, गियर बॉक्स को थोड़ा इशू है, गियर बॉक्स इतना स्मूथ नहीं लगा मुझे, बाकी ओवरऑल ठीक है। और गियर बॉक्स में किस ऊपर नहीं मिलता है इसके, इसकी एक्सोरूम प्राइस है 4 lakh 50,000, मतलब 5 lakh के ऊपर आपको आसपास ऑन रोड पड़ती है। और अगर आपको किक स्कूटर चाहिए तो उसके लिए आपको 28,000 रुपये आपको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो मुझे लगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव है यार, उसको भेज देना चाहिए था। बट ओवरऑल ना अगर देखा जाए कॉम्पिटिशन से, यानी कि यामा R3 हो गई या निंजा हो गई, उससे तो बहुत कुछ देती है यार इस प्राइस पॉइंट में। इसमें आपको इतना बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, आपको इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल के लेवल दिख जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको, आपको इसमें राइडिंग मोड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये सारी चीजें जो कि गाड़ी को यूनिक बना रही है सेगमेंट में, वैल्यू फॉर मनी बना रही है। ड्यूक 390 के बाद जो इंडिया में कोई बाइक आई है ना जो उसको टक्कर देने वाली है, यानी RC 390 भी गई, मतलब फेयरिंग की बात करें तो चली गई। मेरे को लगता है यार KTM या बजाज को ना इसको काम करना चाहिए कि अब ट्विन सिलेंडर इंजन लेके आना चाहिए इंडिया के अंदर। यामाहा बेचारा CBU यूनिट लेके आता है, वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, इतनी एक्सपेंसिव लेके आए और लेके भी आए तो उसमें बिल्कुल कुछ नहीं है भाई, मतलब ना फीचर के नाम पे कुछ दे रहे हैं उसके अंदर। भाई वेट भी मेरे को बहुत ही लाइट फील हो रहा है, सिर्फ 175 किलोग्राम का वेट है इसके अंदर, 800 mm की सीट हाइट मिलती है। ट्रैक वेपन ये समझ लो आप, टायर्स का फीडबैक भी देखूं तो वो भी मुझे काफी बढ़िया ही लग रहा है। ओवरऑल बढ़िया लगता है इसका डिस्प्ले, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दे रखा है ना वो एक नंबर दे रखा है भाई। भाई क्या एग्जॉस्ट देख रहे हो आप, तो एग्जॉस्ट सुन के मजा आ रहा है, हैंडलिंग इतनी बढ़िया है ना, ये देखो आप, ये फुल हैंडलिंग बढ़िया भाई, सेगमेंट किलर इसलिए ही नहीं बोलते इसको। अगर आप अपग्रेड कर रहे हो ना 300 cc में की कोई बाइक चलाते हो, आप उससे अपग्रेड करना चाहते हो, पहले सोच रहे कि ड्यूक 390 ले लूंगा, छोड़ दो भाई उसको, पकड़ लो भाई अप्रीला, 1 lakh rupees एक्स्ट्रा चाहे दे देना भाई, 1.5 lakh rupees जो भी है लमसम वो दे दो और इसको उठा लो भाई,
उठा लो, देखो भाई देखो, बहुत मजा आ रहा है यार, मौज काट रही भाई बाइक ने, जो बात है। फिफ्थ गियर में भाई न्यूटन 90 की स्पीड रिकॉर्ड तोड़ रही है भाई ये, चेक करो भाई। भाई 5000 तक करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन।